आज तक आपने देखा होगा कि आप मंदिर गए हो तो वहाँ पर यदि कोई संत है तो आपको सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं या दूर से ही आशीर्वाद दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक ऐसे साधु थे जो अपशब्दों के माध्यम से भक्तों को आशीर्वाद देते थे। 108 वर्ष की उम्र में इस संत का देहांत हुआ। इन्होंने जिले में गंगागिरी हैंडल वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। आज उनके देहांत की जैसे ही उनके भक्तों को सूचना लगी तो मंदिर पर सुबह से ही भीड़ लगना शुरू हो गई, जिसके बाद उनकी बग्घी से शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। शव यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंची, जहां पर उन्हें समाधि में लीन किया गया। जब लोकल 18 की टीम ने उनके शिष्य मनीष पिलिया से बात की तो उन्होंने बताया कि गंगागिरी हैंडल वाले नागा बाबा सबसे पहले आर्मी में देश की सेवा करते थे। 40 से 50 वर्ष पहले वे बुरहानपुर लालबाग के लक्ष्मी माता मंदिर पर आए और उन्होंने यहाँ पर सेवा करना शुरू किया। उनके द्वारा अपशब्द के माध्यम से भक्तों को आशीर्वाद दिया जाता था। बच्चे नहीं होने पर लोग यहाँ पर मन्नतें मांगते थे। जिनकी मुरादें पूरी होती थी तो वे लोग परिवार के साथ बाबा के दर्शन करने के लिए आते थे। शिष्य बताते हैं कि वह एक सिद्ध पुरुष थे और वह अपने लिंग से लग्जरी गाड़ियां भी खींचते थे। उनके द्वारा महाराष्ट्र के नासिक में लगे कुंभ मेले में लिंग से दो लग्जरिया गाड़ियां एक साथ खींची गई थी। इसके बाद से वह और भी चर्चा में आए थे। आज भी देश विदेश के भक्त उनसे दर्शन लेने के लिए मंदिर पर पहुंचते थे। लेकिन आज उनके देहांत की सूचना लगते ही पूरे क्षेत्र में गमी का माहौल छा गया और सभी की आंखों से आंसू निकलने लगे। हो गए, कितनी उम्र थी, क्या उपलब्धियां शेयर? मैं आप सभी लोगों को मेरी तरफ से आपको सादर नमस्ते। मैं मनीष पिलिया बता जय प्रकाश। मैं बाबा जी से पिछले 13-14 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और जैसा कि अभी हमारे भैया ने बताया कि बाबा जी का देवावसान हुआ तो हमारे जो हैंडलगिरी बाबा है वो नागा साधु संप्रदाय से हैं, श्री पंचदश राम जूना अखाड़े से हैं और बाबा जी के भी वर्तमान में आयु 108 वर्ष पूर्ण करके वो उन्होंने उनका शरीर पूरा किया है। जैसा बाबा जी जो है पहले मिलिट्री में थे तो मिलिट्री से बाबा जी जो है खड़ेश्वरी हो गए तो वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आप जो है बाबा जी आप दूसरे उसमें ये सब लोग भी आपके साथ बाबा बनना चाहते हैं तो साथ बाबा जी को वहाँ से खड़ेश्वरी होकर नागेश्वर जो है नागा बाबा से जुड़े। बाबा जी का नाम ही काफी है बुरहानपुर शहरवासियों के लिए। हैंडलगिरी बाबा अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी पूछ लेंगे तो वो बता देंगे। हमारे जो बाबा जी है वो सिद्ध पुरुष है और अभी जो उनकी आयु है ऐसा हम लोगों ने सुना है कि बाबा रात्रि में 2:30 बजे उठ के मंदिर की साफ सफाई करना ये मतलब एक पूरे जिले में एक और अद्भुत है क्योंकि मेरे देखने में तो नहीं आया कि कोई साधु रात को 2:30 बजे उठ के मंदिर की सेवा करते और बाबा जी के दया अनुसार ही सब कार्य हो जाते। जैसा बाबा जी को उपलब्धि है कि बाबा जी के पास जो भी आशीर्वाद लेना आता था तो बाबा जी उसको तेरा हैंडल करके बोलते थे तो जैसे भक्त को ये लगता था कि बाबा ने मुझे डांट दिया जबकि उनकी डांट में प्रसाद होता था। और आज बाबा जी हमारे बीच में से सिर्फ उन्होंने शरीर छोड़ा है, बाबा जी हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे। हाँ ऐसा नागा संप्रदाय में जो दस्तान चूना अखाड़ा है वह परंपरा रही है कि वहीं पे समाधि होती है। अब से कुछ ही समय पश्चात समाधि होगी। मेरा बुरहानपुर की समस्त जनता और जो भी ये देख रहे हैं कृपया एक बार आए अवश्य और लक्ष्मी माता मंदिर हैंडलगिरी बाबा का नाम प्रसिद्ध है। आप लालबाग रेलवे स्टेशन पे भी आ जाएंगे और बोल देंगे कि हैंडलगिरी बाबा क्या जाना है तो कोई भी आपको वहां से पता बता देगा।